देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, दीपावली मिलन समारोह में पार्टी की नींव मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। पांसिबल नगर में सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस पार्टी द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। समारोह में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव ग्यारसी लाल रावत, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नानेश चौधरी, पोरलाल खरते सहित अन्य पदाधिकारियों ने शुभकामनाओं के साथ अपने विचार व्यक्त किए। कांग्रेस में हो रही बयानबाजी को लेकर पूर्व विधायक ग्यारसी लाल रावत ने अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कहा, और अभी सभी का ध्यान संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है। इस दौरान उपस्थित जनों ने श्रेष्ठ नेतृत्व का आभार भी जताया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व विधायक ग्यारसी लाल रावत, प्रदेश सचिव गिरीश जायसवाल, प्रदेश सचिव अजय ठक्कर, प्रदेश सचिव प्रकाश खेड़कर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी, जिला संगठन मंत्री नासिर खान, सेंधवा ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र गाड़वे, पोरलाल खरते, निवाली ब्लॉक अध्यक्ष सलीम खत्री, पलसूद ब्लॉक अध्यक्ष विनोद तायल, कार्यकारी अध्यक्ष अनूप पवार, मोंटा खेड़कर, प्रकाश सिंह राजपूत, सुभाष शितोले, विवेक चौधरी, सुनील पाटिल, रवि पाटिल सहित ग्राम एवं नगर से कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पीसीसी सदस्य अजय मिश्रा और आभार पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप राव शितोले ने किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रत्येक विधानसभा में जिला कांग्रेस अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया जाए, और आज बड़वानी जिले में जो चार यहां पर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा पदाधिकारी नियुक्त किए गए, मैं शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आज पानसेमल के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा पानसेमल विधानसभा में दिवाली मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पे सारे वरिष्ठ लोग आए और अपने अपने विचार रखे, और हम कांग्रेस पार्टी को कैसा मजबूत करें इस ओर हम लोग ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हम लोग आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी, विधायक भी आपका भाजपा में शामिल हो गया है, आगे क्या नए चेहरे आपको क्या उम्मीद रहेगी, किस प्रकार से बेस तैयार किया जाएगा यहाँ पर विधायक? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है देश में, और कांग्रेस पार्टी में कहीं आते हैं कहीं जाते रहते हैं, वो उनकी विचारधारा, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी कमज़ोर नहीं हुई है। हम प्रत्येक मंडल अध्यक्ष को लेकर मंडल, सेक्टर और बूथ कमेटी तक हम जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी को कैसा मजबूत कर इस प्रकार को हम मजबूत करेंगे। आने वाला समय जो हमारे कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर विधायक हम जरूर जिताएंगे। वो तो अफवाहें बहुत ज़्यादा चलती रहती है, इन अफवाहों के ओर हम ध्यान अग्रसर करते नहीं, हम लोग ध्यान अपन सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के ओर अग्रसर रहते हैं। निचले स्तर पर अब किस प्रकार के संगठन की रचना? अभी हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कल बैठक रखी है राजपुर में, हम वहाँ पर बैठक में बैठ के बात करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेता रहे बाला बच्चन जी, हम सभी बैठ के बातचीत करेंगे, और प्रत्येक ब्लॉक के हर कार्यकर्ताओं को हम ओबलाइज करने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। सर, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कुछ कहना चाहिए? महाराष्ट्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, अभी से वहाँ पर स्थिति ये बनी हुई है कि आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी देखते हैं, और जहाँ तक कि मीडिया के मार्फत हम लोग डेली देख रहे हैं, उनमें इतना घमासान चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी और हमारे जो शिवसेना और हमारे जो अपने एनसीपी के जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी कांग्रेस की बनेगी वहाँ पर। जी, मैं गिरीश जायसवाल, अभी मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भाई अजय ठक्कर जी और प्रकाश खेड़कर जी और ग्यारसी लाल जी रावत के साथ में संयुक्त सचिव का दायित्व मिला है। संगठन में मजबूती के लिए जिस प्रकार से भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और वरिष्ठ नेतागण निर्देशित करेंगे, हम वहां पर जाकर बूथ बूथ पर काम करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे।